हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएम नॉलेज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पिक्सल ऐप कैसे यूज करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इजी वे में मैं आपको पिक्सल ऐप के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप पिक्सल ऐप को यूज करना सीखना चाहते हो पूरी तरीके से तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी और इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। उसके बाद एक बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको नीचे से यहाँ पर देख सकते हैं कई फोटो दिए गए हैं, तो यहाँ से आपको एक इमेज सेलेक्ट कर लेनी है जिस पर आप अपना पोस्टर यानी कि थंबनेल डिजाइन करना चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट जो है मैं वही रहने देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं डिफॉल्ट जो है वही रहने देता हूँ। डिफॉल्ट पे मैंने क्लिक कर दिया और जो बाय डिफॉल्ट है वही आ चुका है। तो अब सबसे पहले यहाँ पर आपको टेक्स्ट टाइप करना है। तो टेक्स्ट टाइप करने के लिए ऊपर आप देख सकते हो पेंसिल का आइकॉन बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी यहाँ पर आप टाइप करना चाहते हैं आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं ओके लिखा हुआ है, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब अगर आप दूसरा टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर आप देख सकते हैं प्लस बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर टेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर जो पेंसिल बना है इस पर आपको क्लिक करना है। फिर से इस पेंसिल पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो भी आप टाइप करना चाहते हो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद ऊपर देख सकते हैं ओके लिखा हुआ है, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप इसे यहाँ से क्लिक करके जहाँ पे स्क्रॉल करना चाहते हैं रखना चाहते हैं आप यहाँ पर रख दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको उस इमेज को उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसे आप एडिट करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ से डीएम को सेलेक्ट कर लिया, इस पर क्लिक करके। और नीचे आप देख सकते हैं जो दूसरा ऑप्शन है ए वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है मैं उन सभी के बारे में आपको बता देता हूँ। आपको लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइज का, लिखा हुआ है TT, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जितना आगे इसे ले जाओगे उतनी साइज इंक्रीज होती जाएगी और जितना आप कम करोगे उतनी इसकी साइज डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसकी साइज सेलेक्ट कर सकते हो। साइज सेलेक्ट करने के बाद साइड में देख सकते हो करेक्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ये उसी पे सेट हो जाएगा। अब उसके बाद जो ऑप्शन है वो कलर का है। अगर आप इसे कलर करना चाहते हो तो कलर पर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर कई कलर आ जाएंगे। जैसे आप ब्लैक सेलेक्ट कर सकते हो, रेड सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी कलर आपको पसंद है आप सेलेक्ट कर सकते हो। साइड में आप प्लस का आइकॉन देख सकते हो, इस पर आप क्लिक करोगे तो जो भी पूरा कलर है सब यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर का सर्कल है, इसे आप जहाँ पर स्क्रॉल करोगे कुछ उस प्रकार का कलर आपके जो भी टेक्स्ट है उस पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप मैनेज कर सकते हो। तो आप अपने अनुसार यहाँ पर देख लेना और यहाँ से जो भी कलर आपको पसंद है आप सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद जो साइड में करेक्ट ऑप्शन बना हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ब्लू कलर में हो चुका है। अब उसके बाद बात आती है ओपासिटी की, तो यहाँ से आप इसकी ओपासिटी कम बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसे फुल रहने देता हूँ। उसके बाद आता है ऑप्शन ए बी फॉन्ट लिखा हुआ है, तो इस पर आप क्लिक करके इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो। यहाँ पर कई फॉन्ट आपको मिल जाते हैं, तो मैं यहाँ से एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आप ओके देख सकते हैं लिखा हुआ है, आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन एक और मिला है जिसका नाम है बोल्ड स्टाइल लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो भी टेक्स्ट है बी पे आप क्लिक करोगे तो बोल्ड हो जाएगा, और यहाँ पर जो आई है अगर इस पर आप क्लिक करोगे तो टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, और इस पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो आपके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। अगर आप इन सबको कट करना चाहते हो तो यहाँ पर जो लास्ट में टी लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक कर दो, सब कट हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। यहाँ से मैं बोल्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो करेक्ट का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए बैकग्राउंड लिखा हुआ है, तो बैकग्राउंड के पहले एक ऑप्शन कर्व है, तो कर्व पे क्लिक करके आप इसे थोड़ा कर्व कर सकते हो। देख सकते हैं कर्व हो चुका है, तो आप चाहे तो कर सकते हो, बट मैं इसे नहीं रहता है, मतलब मुझे कर्व नहीं करना है तो मैं इसे कट कर देता हूँ। तो ऐसे कट वाला ऑप्शन इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए बाई डिफ़ॉल्ट फिर से उसी तरीके से हो चुका है। अब जो बात आती है लास्ट वाला एक और ऑप्शन है जिसका नाम है बैकग्राउंड का, इस पर आप क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड इसका ऑन हो जाएगा। इस पर आपको क्लिक करके इसे इनेबल करना है, और लेफ्ट साइड में आप बैकग्राउंड डाल सकते हो, राइट साइड में बैकग्राउंड डाल सकते हो, और आप टॉप पे भी डाल सकते हो और बॉटम में भी डाल सकते हो। तो आप अपने अनुसार यहाँ से बैकग्राउंड भी लगा सकते हो, जिस कलर का चाहो आप उस कलर का लगा सकते हो। प्लस वाले पर क्लिक करके आप और भी कलर यहाँ से देख सकते हो। इस एप्लीकेशन के अंदर ढेर सारे ऑप्शन है जिसे एक ही वीडियो में बताना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं इसका एक सेकंड पार्ट बनाऊंगा और उस पार्ट में मैं जितने भी बाकी बचे ऑप्शन हैं उन सभी के बारे में बताऊंगा, और कुछ इस प्रकार का मैं आपको थंबनेल भी बना के दिखा दूंगा। तो आप सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं सेकंड पार्ट बना दूंगा तो उसका जो लिंक है मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड के बाद भी यहाँ पर कई ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इन सभी ऑप्शन के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, और भी जो ऑप्शन बचे हुए मैं उनके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर कुछ इस प्रकार का आइकॉन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टिकर का, तो यहाँ से आप कुछ कस्टम स्टिकर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी स्टिकर दिया गया है आप उसे ऐड कर सकते हैं अपने पोस्टर पे, जो भी कर ले बैनर थंबनेल।
और उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है शेप। तो यहाँ से आप शेप भी ऐड कर सकते हो, जिस शेप को आप ऐड करना चाहते हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, और उसका कलर भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, और स्ट्रोक चाहते हो तो इसे बढ़ाकर यहाँ से नीचे का स्ट्रोक का कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन है जिसका नाम है एरो। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर आप थंबनेल क्रिएट करते हो किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए। तो यहाँ पर आप इसका डिज़ाइन यहाँ पर क्लिक करके इसका चेंज कर सकते हो, और यहाँ से इसके स्ट्रोक को कम ज़्यादा कर सकते हो, और यहाँ से आप इसका एरो भी सेलेक्ट कर सकते हो किस प्रकार का रहेगा, और यहाँ पर भी आप कलर कर सकते हो, जिस भी कलर में आप रखना चाहते हो आप रख लो, और इसका स्ट्रोक कलर भी यहाँ से आप नीचे से ऐड कर सकते हो। और स्ट्रोक बढ़ाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है स्ट्रोक विड्थ, तो इस पर क्लिक करके आप इसे बढ़ा से घटा सकते हो। तो ये था इस ऑप्शन के बारे में। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है चौथे नंबर पे, इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर आपको कई ऑप्शन मिलते हैं। एक है कलर का, अगर आप कलर लगाना चाहते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड में, तो यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कलर यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है बैकग्राउंड में। और उसके बाद यहाँ पर और ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट का, तो अगर आप ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड जो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और आपका जो भी टेक्स्ट है वो ट्रांसपेरेंट में सेव हो जाएगा। और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से देखिए आप इसे जो इसका वर्जिनिटी है इसे ऑन कर दोगे तो कुछ इस प्रकार का इमेज आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए नॉइज़ अगर आप इसे ऑन करते हो तो इस प्रकार का इमेज देखने को मिलेगा। स्ट्रिप्स अगर आप इसे ऑन करते हो तो इस प्रकार का इमेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, यूज़ बढ़ा सकते हो, सेचुरेशन कम या बढ़ा सकते हो, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन के बारे में आपको बता दिया, जो भी बाकी ऑप्शन है मैं उसे अगले पार्ट में बताऊंगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मैं आपको पूरा पिक्सल लैब के बारे में 100% बढ़िया से सिखा दूंगा, तो जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।